हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं निकला आपका दोस्त है, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हाल ही में कमेंट आया था अनुज गुप्ता जी का। उन्होंने पूछा था कि 38B20L और 40LBH दोनों में क्या डिफरेंस है, और उनके पास भी हुंडई की i10 1.1 लीटर पेट्रोल वैगन की गाड़ी है, कार है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। सो उसके वजह से आज टॉपिक यही होने वाला है कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। सो वीडियो आप देख लीजिए, आपके पास भी दोनों में कोई गाड़ी होगी या फिर पेट्रोल वैगन की कोई भी गाड़ी होगी, सो इसमें से यही बैटरी लगने वाली है। सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे सारे वीडियो और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल रहे। तो चलिए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दोनों बैटरी के मॉडल नंबर के बारे में जानेंगे। सो FMLO-ML38B20L, ये 38 बैटरी का इसका आपको मॉडल नंबर देखने को मिलेगा। सो वही 40 का FMLO-ML40LBH इसका मॉडल नंबर है। प्राइसिंग की बात करेंगे दोस्तों, तो MRP आती है 38LBH की, ये आती है आपको 4500 के आसपास इसकी MRP आएंगी और 40LBH की आपको MRP आएगी 5100 रुपए रख के आपको इसके MRP आएंगी। दोस्तों MRP पे आपको कोई भी नहीं देता, आपको इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। सो जो हमारी 38LBH की बैटरी है, 38B20L की बैटरी है, सो वो आपको आ सकती है 4000 रुपए तक के आ सकती है, 4100 रुपए तक के आ सकती है, मतलब 400 रुपए माइनस हो सकते हैं। सो सेम इम्पेयर की आपके पास में अगर बैटरी है, सो वो आपको आ जाएगी 3300 से 3500 रुपए तक के आपको आ जाएगी डिस्काउंट, मतलब पुरानी बैटरी रिप्लेस करके उसके आपके 500, 600, 700 के हिसाब से एज पर मार्केट में जो स्क्रैप रेट चालू है, सो हिसाब से ये रेट चेंज होते रहते हैं। सो आज का स्क्रैप का रेट चल रहे दोस्तों 87 रुपीज, तो ये मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि स्क्रैप का रेट क्या चालू है। सो हिसाब की आपकी बैटरी इसमें किलो की होंगी, जो ड्राई बैटरी होती है, सो हिसाब से आपको रेट मिलता है। सो वही दोस्तों, अब जानेंगे 40LBH बैटरी के बारे में। तो दोस्तों उसकी MRP 5100 है, तो वो आपको आएंगी 4600-700 रुपए तक के आपको नई बैटरी आ सकती है। सो वही पुरानी बैटरी अगर आप रिप्लेस करके लेते हैं तो 3800 से 4000 रुपए तक के आपको आ सकती है वही स्क्रैप के रेट माइनस करने के बाद में। सो आप अपने गाड़ी के मतलब बैटरी का वेट पता कर लीजिए, अगर आपको एग्जैक्ट वेट पता है सो आप बैटरी शॉप में जाके उसको रिप्लेस करा सकते हैं। वारंटी की दोस्तों बात करेंगे तो दोनों ही 51 मंथ वारंटी की बैटरी है, मतलब हाल ही न्यूली लॉन्च बैटरी है, पहले 48 मंथ में आती थी, अभी वारंटी एक्सटेंड करी है। सो 30+25, मतलब 30 महीने में कुछ भी होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट आपको मिलता है। उसके बाद में जो 25 महीने बचे हैं, तो 25 महीने में दोस्तों आपको ये मिलता है प्रोडाटा, ये होता है MRP पे। सो MRP पे कैसे प्रोडाटा होता है, तो आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। सो MRP पे आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, मतलब 30 महीने जब आप बैटरी परचेज करते हैं उसके 30 महीने तक के फ्री ऑफ रिप्लेसमेंट है। उसके बाद में कुछ भी अगर खराबी आती है तो 30 महीने तक का फ्री रिप्लेसमेंट है, उसके बाद में जो 25 महीने बचे हैं सो उसमें 50% डिस्काउंट MRP पे आपको मिलता है। सो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इसके मेजर डिफरेंस का, मतलब इसमें दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, दिखते में दोस्तों इसका साइज मतलब अलग अलग है, थोड़ी छोटी बड़ी फिटमेंट का ही साइज है। मैक्सिमम दोस्तों 38B20L ये मारुति की गाड़ी में लगते हैं, जैसे मारुति इटिगा होगी है, वैगनर होगी है, मारुति स्विफ्ट होगी है, बलेनो होगी है। सो मैक्सिमम मारुति के पेट्रोल वेरिएंट में, पेट्रोल कार में आपको 38B20L देखने को मिलती है। सो भाई दोस्तों 40LBH ये दोस्तों आपको हुंडई की गाड़ी में आपको देखने की मिलेगी, हुंडई i10, हुंडई i20, हुंडई की और एक्सेंट गाड़ी है। सो उसमें मतलब हुंडई की जो जो वेरिएंट्स है पेट्रोल की, उसमें आपको देखने को मिलेंगी, तो एक मेजर डिफरेंस है। तो गुप्ता जी ने जो हमें कमेंट किया था कि कौन से गाड़ियों में उनकी बैटरी लगती है, मतलब सो गुप्ता जी ने हमें जो कमेंट करा था, तो उसमें मैक्सिमम ये हुंडई की गाड़ी में, उनके गाड़ियों में लगते हैं, तो शायद उनको इनके वजह से कंफ्यूजन आया होगा कि ये दोनों 38.5 एम्पीयर की बैटरी है, तो दोनों में से कौन सी लेना चाहिए। तो थोड़ा सा पैसे का डिफरेंस है, हुंडई में जो बैटरी जाती है उसमें थोड़ी सी आपको प्राइसिंग 100-200 रुपए से ज्यादा मिलेंगी, और जो 38 वाली है उसमें प्राइसिंग आपको कम देखने को मिलेगी। सो दोस्तों वही आप समझ गए होंगे। और दोस्तों वारंटी की मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप अपनी गाड़ी वेल मेंटेन रखिए, गाड़ी जितनी आपकी मेंटेनेंस है एक साल में शुरू होती है, गाड़ी का इंजन जितना नया है उसकी आपके बैटरी की लाइफ आपको मिलती जाएगी। जब आप नई कार परचेज करते हैं उसकी वारंटी एक साल की होने के बावजूद भी हो, 3-4 साल आपकी कार चल जाती है, पर सेकंड टाइम में जब आप बैटरी चेंज डालते हैं तब वो 1 या 2 साल ही चलती है, ज्यादा नहीं चल पाती। अगर आप वेल मेंटेन करते हैं उसको, जैसी नई गाड़ी आप लेते हैं वैसी अगर आप सर्विसिंग कंटिन्यू कराते रहते हैं और वेल मेंटेन रखते हैं, एक साल में आपकी गाड़ी शुरू होती है, सो आपकी बैटरी की भी लाइफ बढ़ेगी।
सो ये डिपेंड रहता है आपके कार पे, वो छोटी गाड़ी की बैटरी हो, कार मतलब मोटरसाइकिल की हो, उसका भी सेम सिस्टम है, जितना मेंटेन रखेंगे उतनी आपकी गाड़ी की लाइफ बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। सेम कार में भी है, जितनी आप कार मेंटेन रखेंगे, इंजन वगैरह सब कुछ मेंटेन है, एक सेल में गाड़ी शुरू हो रही है, सो आपकी लाइफ बढ़ेगी। सो मेंटेनेंस कैसे करना है उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो भी जाके देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। 38B20L और 40LBH दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो 40LBH में हुंडई की जाती है और 38B20L में ये दोस्तों आपकी मारुति की जाती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों कोई कमेंट क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिए, उसका रेट हम लोग वीडियो बनाकर ला देते हैं जैसे आपको मालूम है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। सो हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।